सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। कोरोना काल में सब कुछ बंद था और धीरे धीरे अब सब कुछ शुरू करने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन अभी भी मंत्रालय में विधायक नहीं होते, सांसद संसद में नहीं होते और सभी तरफ ऑनलाइन मीटिंग ही चल रही है। जलगांव में भी, जलगांव के इतिहास में पहली बार कोरोना की वजह से बुधवार को एक महासभा का आयोजन ऑनलाइन किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर भारती सोनम ने, उप महापौर अश्विन सोनम ने, पार्षद कैलाश सोनम ने, भगत बालानी, सुचिता हाड़ा समेत अन्य मान्यवर मौजूद थे। महापौर ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को होने वाली महासभा में अनुकंपा बेसिस पर कुछ भर्ती करने का मुद्दा जरूरी है। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण 5 महिने झाले आपण सभा घेऊ शकलो नाही, तर आपण आता ऑनलाईन सभा घेतोय। त्याच्यात विषय जे अनुकंपाचे भरतीचा विषय, तो कैलास आपा सोनवणे यांनी मानलेला आहे की नगरपालिकेमध्ये कमीत कमी आपण 60 जागा भरण्याचा भरणारा। उप महापौर डॉक्टर अश्विन सोनवणे ने बताया कि शहर में स्थित रेलवे माल धक्के की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां उठाने पड़ती है, इसलिए इस सभा में उसके लिए भी कोई उपाय योजना करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। पहिल्यांदाच ऑनलाइन महासभा होणार आहे आणि या ऑनलाइन महासभेमध्ये एक आस्थापनातील अनुकंपातील काही कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे। त्यानंतर अनेक वर्षापासून भोजनगर व त्याच्या आजूबाजूतील परिसरातील लोक मालकीतील असलेल्या माल धक्क्यामुळे त्रस्त झालेले होते, त्यामुळे हा माल धक्का शहराबाहेर हलवण्यासंदर्भात अतिशय महत्त्वाचा एक विषय आहे। देखना दिलचस्प ये होगा कि मनपा की ऑनलाइन सभा किस तरह से सक्सेसफुल होती है। हालांकि मनपा की ओर से भी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि यह सभा ऑनलाइन संपन्न हो और सफल हो। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।